हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आई नो कि वाला वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कांड होता ही रहता है, तो इस वाले मुद्दे पे बात करने का टाइम मिला ही नहीं। लेकिन क्योंकि टॉपिक है, मैटर है, कंटेंट है, तो बात तो होगी। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर में गॉर द गॉड बुचर के लुक के बारे में, कि ये कॉमिक एक्यूरेट क्यों नहीं है और क्या ये चीज सच में मैटर भी करती है या नहीं। तो बिना बैटमैन को छिपकली बनाए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा भी फॉलो करते होगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ये बहुत आराम से समझ चुके हो कि मुझे जेसन एरन का जो पूरा थॉर रन था उससे और गॉर द गॉड बुचर के एज ए विलन होने से कितना ज्यादा प्यार है। लेकिन इतना ही नहीं, मेरे हिसाब से गॉर द गॉड बुचर मार्वल के अभी तक सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न विलन में से एक है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि विलन सिर्फ वही नहीं है जो शक्तिशाली हो। मेरे हिसाब से एक विलन मतलब एक कंप्लीट विलन वो होता है जो हीरो को फिजिकली तो है ही है, लेकिन साथ में साइकोलॉजिकली भी तोड़ के रख दे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन गॉब्लिन ने ग्वेन स्टेसी को मारा, इसी वजह से वो स्पाइडरमैन के लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डेंजरस विलन था। वहीं पर रिवर्स फ्लैश ने फ्लैश के साथ यही सेम चीजें करी, तो इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर जोकर के तो क्या ही कहने, बैटमैन के साथ आए दिन कुछ ना कुछ कर्म कांड करता रहता है ये इंसान बोलना सही नहीं होगा, महापुरुष। तो इसी वजह से सारे के सारे विलन्स इतने ज्यादा इंपैक्टफुल हैं, क्योंकि हीरो को साइकोलॉजिकली तोड़ के रख देते हैं। और गॉर द गॉड बुचर ने भी थॉर के साथ वैसे ही कुछ किया। उसकी अपीयरेंस के फिजिकल रैमिफिकेशन इतने ज्यादा नहीं थे जितने साइकोलॉजिकल थे। मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ एक प्रवचन दिया और थॉर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है हमारे बाल। ये बात तो सभी लोग जानते कि बालों की केयर करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, और आजकल ऑलमोस्ट हर कोई हेयर फॉल से परेशान है। इसीलिए मैं आप सबको रेकमेंड करना चाहता हूं मैन मैटर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इंडिया का फर्स्ट डीएचटी ब्लॉकिंग शैम्पू है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि डीएचटी किस बला का नाम है, तो मेजोरिटी मर्द लोगों में यही कॉज होता है हेयर फॉल का। तो मैन मैटर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू नेचुरल डीएचटी ब्लॉकिंग सब्सटेंस जैसे कि सौ पालमेटो और कैफीन का इस्तेमाल करके डीएचटी को ब्लॉक कर देता है और अर्ली स्टेजेस पे हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, और इसके बायोटिन और एरागन ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं। और क्योंकि ये पूरी तरह से सल्फेट और पैराबेन फ्री है, तो आप डेली यूजेज भी कर सकते हो। तो अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हो या फिर शाइनी और सॉफ्ट हेयर चाहते हो, तो स्विच टू मैन मैटर्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू। और इतने नहीं, इसके साथ ही साथ इनकी डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विस भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए या फिर इनकी डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए भी। और इस लिंक के साथ साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा डिस्काउंट भी। तो भूलना मत मैन मैटर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे पता लगा कि लोग थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर को लेके आ रहे हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब ये पता चला कि उसका रोल क्रिस्टियन बेल प्ले करने वाले, तो भाई एकदम चरम सुख की प्राप्ति हुई। बंद करना पड़ेगा ये सब बोलना, बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब इसका ट्रेलर आया और उसमें हमने क्रिश्चियन बेल के गौर को देखा, तो बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस निकल के आए। इनफैक्ट मेरा खुद का एक्साइटमेंट ऐसे से वो हो गया, तो इसीलिए मैं खुद भी उस चीज का फैन नहीं था। लेकिन फिर इसके बाद जब मैंने इसके ट्रेलर को ब्रेक डाउन करना शुरू किया, उसको मल्टीपल टाइम्स देखा और मैंने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, तो आई रियलाइज कि नहीं, ये चीज एक्चुअली में वर्क कर सकती है। क्योंकि गॉर द गॉड बुचर मतलब क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। ट्रेलर को जिस तरह से क्राफ्ट किया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने गॉर द गॉड बुचर की पूरी अपीयरेंस ही नहीं देखी। मतलब अगर आप पूरे ट्रेलर्स को कंबाइन कर लोगे, तो गौर की अपीयरेंस टोटल 10 से 12 सेकंड की होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और ये मैं बहुत ज्यादा बढ़ा के बता रहा हूं। हम लोगों ने उसका एक ही सीन बार बार देखा है, उसका एक या दो डायलॉग्स बार बार सुने हैं, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, एंड दैट इज द बेस्ट part about it. लेकिन जितना भी जो कुछ भी मुझे देखने और सुनने को मिला है, उससे मुझे realize हो रहा है कि नहीं, ये वाला विलन कुछ तो कमाल करेगा भाई। क्योंकि सबसे पहले तो ये साइको क्रेजी मेनियक वाली फील दे रहा है, जो गॉर द गॉड बुचर कॉमिक्स में भी था। इनफैक्ट मुझे ये वाला थोड़ा और ज्यादा क्रेजी लग रहा है। और इसी कलरलेस बैकग्राउंड में हमने जब जब गॉर को देखा, तो उसके मुंह से कुछ ऐसे ब्लैक कलर का लिक्विड टपक रहा है, कभी उसकी आंखें अजीब सी लग रही हैं, और उसके चेहरे पे एकदम क्रेजी एक्सप्रेशंस है। और अभी तक मैंने टाइका वाटीटी का जितना भी काम देखा है, तो मैं बहुत ही सेफली कह सकता हूँ कि क्रेजी चीजें दिखाने में इस बंदे का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग का ये मानना है कि भाई ये लुक कॉमिक बुक एक्यूरेट है नहीं, तो इसी वजह से तुम इसको पुल ऑफ कैसे करोगे, ये उतना ज्यादा इंप्रेसिव लग नहीं रहा है, और क्रिश्चियन बेल जो है सिर्फ उनकी एक्टिंग पोर्ट्रे करने के लिए आपने उसके ऊपर सीजीआई नहीं किया, ये कौन सी बात होती है। इनफैक्ट एक कमेंट मुझे अभी भी याद है जो बार बार मेरे वीडियोस पे हुआ करता था, जिसमें किसी ने लिखा था कि अगर आपको क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग इतनी ही ज्यादा खुल के दिखानी थी,
टू बैटमैन में उसे मास्क क्यों पहनाया? तो देखो, अगर आप इस चीज का कॉन्टेक्स्ट अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बैटमैन का सब कुछ उसकी अपीयरेंस से डिफाइन होता है। क्यों कोई इंसान चमगादड़ जैसे कपड़े पहनकर बड़े बड़े सींग लगाकर रातों में निकलेगा? ताकि लोग उससे डर सके। Whereas on the other hand, Gore the God Butcher अपनी appearance से define नहीं होता, अपने काम से होता है। और देखो, मैं जानता हूँ कि Christian Bale एक बहुत ही ज़्यादा psycho type की acting कर सकते हैं। हम लोगों ने American Psycho में देख लिया और कुछ वैसे ही performance यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और probably वही चीज screen पे दिखाने के लिए, वही acting और वही feel को लाने के लिए उन्हें CGI नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों ने Pirates of the Caribbean में देखा है कि CGI characters भी scary लग सकते हैं, crazy लग सकते हैं। Davy Jones एक बहुत ही बड़ी example। पर देखो, हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और प्रोबेबली इन लोगों ने गौर की बैक स्टोरी पे भी थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेने की कोशिश करी होगी, क्योंकि सिंस बहुत सारे कैरेक्टर्स इधर ऑलरेडी अलग तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पूरी कॉमिक बुक के ऑथर है जेसन एरन, जिन्होंने गौर द गॉड बचर को क्रिएट करा है, उन्होंने खुद क्रिश्चियन बेल को बैकअप किया इस चीज पे, ये बोलते हुए कि गौर को उसकी नाक डिफाइन नहीं करती। उसकी नाक इस बात का सबूत नहीं है कि वो कितना ज्यादा डेंजरस, कितना ज्यादा ब्रूटल और कितना ज्यादा डैमेज था। और देखो, मैं बता रहा हूं, जो क्लिप्स हम लोगों ने अभी तक देखी है वो बहुत छोटा सा पार्ट है मूवी का। हालांकि मूवी भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने बहुत ही छोटा सा पार्ट देखा है क्रिश्चियन बेल का, और पर्सनली मुझे बहुत क्रेजी साइको वाइब आ रही है उससे। जैसे भी जो रीसेंट वाली क्लिप आई थी उसमें उसका ये बोलना कि यू आर नॉट लाइक द अदर गॉड्स दैट आई हैव किल्ड, एक अलग ही वाइब दे रहा था, एक अलग चिल वाली फीलिंग दे रहा था। समझ में आ रहा था कि ये भाई अंडबंड माहौल बनाएगा ये आदमी। तो एज अ वेरी हार्ड कोर कॉमिक बुक फैन, मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि कॉमिक बुक्स में कैरेक्टर्स जैसे अपीयर होते हैं, हमें उस चीज को लेकर सिनेमैटिक यूनिवर्स को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कॉमिक बुक्स में कोई चीज डिफरेंट दिख रही हो और वो सिनेमैटिक यूनिवर्स में पूरी तरह से अलग हो सकती है। इनफैक्ट कैरेक्टर्स पे डिफरेंट टेक्स लिए गए हैं एंड दे समहाउ वर्क। और पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत ही श्योरली ये चीज अभी से बोल सकता हूं कि थॉर लव एंड थंडर के बारे में अगर कोई सबसे अच्छी चीज होगी तो वो प्रोबेबली क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसके अपीयरेंस को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, और वो है नेक्रोसॉर्ड। कॉमिक बुक्स में नेक्रोसॉर्ड एक बहुत ही फ्लूइड टाइप का वेपन होता है जो गॉर के साथ ही उसके अंदर आत्मसात हो जाता है, और जब वो चाहता है तो उसके हाथ से तलवार जैसी बाहर निकल आती है। लेकिन यहां पर मूवी में उसे एक एक्चुअल तलवार की तरह दिखाया गया है, जिस चीज को मैं प्रोबेबली ऐसे समझता हूं कि शायद ये क्रिश्चियन बेल का जो ह्यूमन टाइप का लुक है उसके साथ करस्पॉन्ड करने के लिए बनाया गया हो। नहीं तो पता चल रहा है तलवार से कांटे निकल रहे हैं और उसको पकड़ने वाला शॉल लपेट के खड़ा है। लेकिन इस चीज को लेकर अपने मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना कि ये नेक्रोसॉर्ड है या नहीं। 110% ये नेक्रोसॉर्ड है, क्योंकि इसके पूरे बैकग्राउंड में हमने वो ऐसे वेनम और वो सिम्बियंट वाली चीजें देख ली थी। आई एम वेरी श्योर कि मार्वल वालों का प्लान होगा इसको आगे नल से जाके कनेक्ट करने का, क्योंकि अगर नहीं करते तो बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। तो कुल मिलाकर मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि गौर का लुक कितना ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट है, वो वोल्डेमॉर्ट जैसा लग रहा है कि गौर द गॉड बुचर जैसा, उसकी नाक है कि नाक नहीं है। मेरे लिए वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, उससे आने वाली साइको क्रेजी वाइब इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने को मिल जाती तो अपन खुश हो जाएंगे। दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। अब इसने रॉकेट पकड़ लिया, ये सपना नहीं। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? ब्लैक एडम जल्द ही सिनेमाघरों में।